हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। आज हम लोग खेल रहे हैं दोबारा से डिसेंडर्स और आप लोग देख सकते हो गाइज आज मैं और चॉप करने वाले हैं बाइकआउट कोर्स पार्ट 4। और गाइज इसके बाद मेरे को नहीं लगता और बाइकआउट मैप्स बचे हुए, तो अगर आप चाहते हो कि हम डिसेंडर्स की और वीडियोस लाए तो जल्द से जल्द इस वीडियो पे लाइक कर दो। और आ रहा भाई, भाई 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 इतना ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स अच्छा हो तो गया, मेरे को लगा नहीं होगा। ऑलराइट गाइज यहां पर से अब हम लोगों को जाना है ध्यान से। ये क्या है सामने? अरे भाई साहब ये क्या पतला से? रुको 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 भाई, यहां पे हम लोगों को फोकस बनाना है इजी। और इसी के साथ ये देखा गाइस कितना ज्यादा आसान था। रोस्ट भाई यार आप तो निकल गए भाई, मेरे को अकेला छोड़ दिया आपने। अरे मैं अभी ज्यादा आगे नहीं निकला हूं भाई, मैं तेरे से सिर्फ एक या दो चेक पॉइंट आगे हूँ। और गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये चीज वाली चीज क्या है भाई? ओए ये क्या घूम रहा है? अरे रुको इसको कैसे पार करूं? गाइस यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिक होगी जो हम लोगों को पता करना पड़ेगा। कम ऑन। अरे यार कैसे करूं मैं गाइस, जब भी मैं वहां पहुंचने वाला। यस अरे कूद गया भाई, कुछ ज्यादा दूर से कूद गया। ओ जंप। डैम इट, चलो इस बार हो जाएगा। नहीं पानी में गिर जा रहा हूं यार मैं। अरे रुक जा मेरे भाई। गाइस मेरे को लगता है ना कि हम लोगों को यहां पर अपनी साइकिल को जो है एकदम परफेक्ट टाइम पर जंप करना होगा। और जब आप परफेक्ट टाइम पे जंप करोगे तो यार एक बार ये जंप तो कर ले। एक बार आप परफेक्ट टाइम पे जंप करोगे ना तो आप जो है लेफ्ट साइड लैंड कर जाओगे और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन गाइस एज लक में हैव इट, अरे अरे भाई कितना टाइम लगाएगा ये। अरे यार कम ऑन, किसी तरीके से गाइस इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। देख रहे हो चक्के जो है गाइस के ऊपर फिसल रहे बहुत ज्यादा। हां ओ यस मेरे को ट्रिक मिल गया। ओ भाई यही करना है, सबसे पहले हम लोगों को धीरे-धीरे जाना। ओए चॉप तू भी आ गया? रोस्ट भाई आपको देख-देख के मैं भी आ गया भाई। अच्छा ठीक है देख ले कैसे कर रहा हूं मैं। मैंने फाइनली ट्रिक खोज लिया मेरे दोस्त। यस 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 यार ये हुई ना बात गाइस। देखा मैंने बोला था ना मैं कर लूंगा। ओए ये क्या है सामने? अरे भाई साहब ये क्या चीज है? ओए ओए अच्छा ये हवा उड़ा। अरे भाई ये तो जबरदस्त चीज थी यार, देखने में गाइस सिर्फ ज्यादा मुश्किल लग रहा था लेकिन ऑब्वियसली रियल लाइफ में उतना मुश्किल नहीं है ये। ओ सामने में गाइस हमारे दो बॉल्स है, लेकिन बॉल्स के पहले ये क्या दे दिया? अरे भाई यार ऐसी लाइफ मेरी इतनी ज्यादा घूमी हुई है, ऊपर से मेरे को और डिफिकल्ट चीजें देख करके परेशान मत करो यार गेम। ओ डैमेट हम लोगों को किसी तरीके से गाइस बाइक को जो है संतुलन में चलाना होगा। लेकिन आप लोग देख सकते हो यार वो इतना ज्यादा आसान भी नहीं है कंसिडरिंग कि कितना डिफिकल्ट रास्ता है हम लोगों के सामने। ओह अरे रुक जा भाई ये रुकती क्यों नहीं है? फ्रॉस्ट भाई मेरे को तो लगता है भाई आपको एक एक करके करना पड़ेगा। अरे तू पागल से निकल गया। फ्रॉस्ट भाई यार आपने धक्का दे दिया भाई। अरे रुक मेरे को टेक्निक पता चल गया है ब्रो। हम लोगों को एक पे खड़ा होना है, उसके बाद चेक पॉइंट लेना है, दूसरे पर जाना है, फिर वहां पर खड़ा होना है। अरे रुक जा भाई क्या कर रहा है तू। ऑलराइट एक बार आप वहां खड़े हो जाओ एंड अब हम लोगों को थर्ड चेक पॉइंट पे जंप लगा के कंप्लीट करना है। लेट्स गो। अरे रुक जा, नहीं 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 यार हो गया था। ओ ये किधर देख रहा हूं मैं? गाइस छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, एक्चुअली मेरा कैमरा मुड़ नहीं रहा है और मेरे को पता नहीं है जंप किधर करना है। ओ मिल गया यस। अरे नहीं, अरे आर दबा दिया गलती से भाई, शिफ्ट प्लस टी दबाना था मेरे को। गाइस चॉप तू भी वही टेक्निक आजमा रहा है क्या? फ्रॉस्ट भाई मैं अभी क्या करूं भाई, मेरे को भी यही टेक्निक बेस्ट लग रही है। अरे लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस कि कैमरा का जो है लोचा हो जा रहा है, आप लोग देख सकते हो कैमरा एंगल घूम नहीं रहा है यार। मेरे को लगता है ना कि हम लोग एक दो बार और अटेम्प्ट करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। फ्रॉस्ट भाई मेरे को तो लगता है फर्स्ट पर्सन में करना चाहिए आपको। अरे भाई वही करूंगा यार, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके गाइस फर्स्ट पर्सन में हम लोग करेंगे क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है यार मैं इतनी छोटी मोटी चीजों पे हार नहीं मानता। और ये हुई ना बात। देखा अब यहाँ पे हम लोगों को चेक पॉइंट ले लेना है, चेक पॉइंट मिल चुका है हमें यहाँ पर, अब बस आराम से इंतजार करना है और जैसे ही हमारा टाइम आएगा हम जंप लगा देंगे। लेट्स गो रे बैम। ये हुई ना बात। ओए ओए सामने में दो पंखे हैं ब्रो, क्या मेरे को दोनों के बीच से जाना है? ओके यस। और भाई क्या जबरदस्त था, और लैंडिंग भी मारी हम लोगों ने एक चक्के के ऊपर, मतलब समझ रहे हो एक्स्ट्रा स्वैग दिखाया मैंने यहाँ पर। और भाई साहब ये क्या है? ओए घूमने वाले आलू भाई, इसको क्या बोलते हैं, बॉल्स बोलते ना, ये बॉल्स आ चुके हैं यार, घूमते मेरे को गिरा देंगे ये। लेकिन भाई हम लोग ऐसे नहीं हारेंगे, हम लोगों को भी अपना ट्रिक जो है जल्दी से यहाँ पर निकालना पड़ेगा एक एक करके। कम ऑन। अरे भाई तीसरे बॉल रह गया, किस्मत खराब था भाई। अरे रुक जा भाई स्टंट मार, मत मार ठीक है, आज रुक जा। हाँ यहाँ पे इंतजार करता हूँ गाइज, इस एरिया पे चेक पॉइंट लेना खतरनाक हो सकता है क्योंकि अगर मैंने गलत जगह पे चेक पॉइंट ले ली तो फिर रिस्पॉन नहीं किया जा सकता। भाई पूरा पहुंच गया था, तुम्हारी ऐसी तैसी गेम मेरे मजे क्यों लेते हो यार? मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन ये डिसेंडर गेम भाई, इसको ना मेरा मजाक उड़ाने में बहुत ज्यादा मजे आते।
सकते हैं, ओए हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से, भाई हेलीकॉप्टर के अंदर अपन लोग जंप कर सकते हैं क्या? मेरा हमेशा से मन था गाइस कि मैं हेलीकॉप्टर के अंदर जंप करूं। फ्रॉस्ट भाई हेलीकॉप्टर के अंदर जंप करना अलाउड नहीं है भाई। अरे रुक जा, यस 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 भाई, मैं मरने वाला था अभी, लेकिन हम लोगों का किस्मत बहुत अच्छा था। ये क्या है? अरे भाई साहब ये ऊपर नीचे क्यों कर रहा है? ये लिफ्ट है क्या? ओह माय गॉड, इसमें थोड़ा मेरे को चक्कर आ रहा है। कहां जाना, आगे जाना, पीछे जाना? अरे मर गया भाई। अरे रुक जाओ। ऑल राइट गाइस, अभी आराम से आएंगे हम लोग। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओ भाई आराम से, साइकिल रुकती ही नहीं है इसकी। एक तो ये भाई इतना ऊपर नीचे क्यों होता है? ओके गाइस आराम से, इजी डज इट माय फ्रेंड, एकदम आराम से कूद रहे हैं। ये बहुत मजेदार है। आई विश कि सारे जो है ऑब्स्टिकल्स ऐसे ही होते। एंड चेक पॉइंट हम लोगों को मिल चुका है गाइस। ओए ये क्या है? बर्फ। अरे रुक जा भाई। फ्रॉस्ट भाई बर्फ पे आपको साइकिल को स्लो ले जाना होगा मेरे को लगता है। अरे तू अपना देख भाई, ये साइकिल रुकेगी तब ना। ओके रुक तो गई है। और ये एक और जंप। ऑलराइट लैंड कर लिया, अब ब्रेक मारना है। अरे ब्रेक मारना है भाई, ये रुकती नहीं है गाइस। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये साइकिल नहीं रुकती है। देखो रुक जा तेरी तो। अरे भाई रुकी क्यों नहीं यार, इसकी क्या दिक्कत है भाई, इतना बर्फ कौन लगा देता है? रुको मैंने कहा। अरे नहीं यार भाई, एंडिंग के पास बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है गाइस। रुको भाई मेरे, रुक जा। अरे ब्रेक लूज हो गए भाई मेरे। अच्छा इस बार हो जाएगा। यस 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 यस, मैंने चेक पॉइंट ले लिया गाइस। गिरने के पहले मैंने किसी तरीके से चेक पॉइंट ले लिया, और अब आप देख सकते हो चेक पॉइंट लेने के फायदे। हमें चेक पॉइंट बहुत आसानी से मिल गई है। अब हमारे सामने है एक और पंखा, पता नहीं तूफान कंपनी का है या किसका है, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर करते हुए यहाँ पर जाएंगे। एंड ओहो क्या लैंडिंग थी भाई, मतलब यार अनजाने में कभी कभार बहुत ज्यादा अच्छा स्टंट हो जाता है। ऑफ कोर्स भाई ऑफ कोर्स, तेरा मन कैसे भरेगा अच्छा स्टंट मार के, बेइज्जती जो करवानी है तेरे को। ओके गाइस अब हम लोगों का कोर्स थोड़ा इजी हो सकता है। ओ सामने में क्या है? ओ भाई ये तो एकदम तराजू के जैसा इधर-उधर हो रहा है, मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। कम ऑन। ओ भाई मर गया भाई। एक और बार इजी डज इट माय फ्रेंड। नहीं इजी थोड़ी होता है भाई, आराम से भाई साहब ये खतरनाक चीज है गाइस। अगर आप इसमें फंस गए तो आप नहीं निकल पाओगे, इसीलिए मैं बीच में अभी चेक पॉइंट नहीं ले रहा हूं जब तक मैं यार हर चीज को सर्वे ना कर लूं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है एक बार आप अगर गलत चेक पॉइंट ले लो ना तो उसके बाद पूरी मैच में आप अफसोस करते रहते हो, और मैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। फ्रॉस्ट भाई यार आप कहां चले गए भाई, मेरे को अकेला छोड़ के भाई, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। अबे इंतजार नहीं कर रहा, तू अटका हुआ है। और देख तेरे बात करने की वजह से ही अभी मैं थोड़ा आगे आ चुका हूं, और मैंने हिम्मत से यार थोड़ी चेक पॉइंट लेने की यहां पर जरूरत की है गाइस। और आप देख सकते हो, देखा मैं क्यों चेक पॉइंट नहीं लेता हूं। ओ भाई कम ऑन आराम से ब्रो आराम से। अरे मर गया तेरी तो, आराम से बोलता हूं तो मरता क्यों है भाई। ओके जंप। अरे मुंह फोड़वा लिया इसने चोमू कहीं का। ओए चल यस ये हुई ना बात। और ये क्या है भाई साहब, ये रिवॉल्वर की गोली डालने वाली ना वो होल टाइप की लग रही है मेरे को, लेकिन यहां पर हम लोगों को बीच में गैप से निकलना है। बूम ओके। अरे नहीं नीचे पानी है भाई, इतना भी नीचे नहीं जाना है, मेरे को रास्ता ढूंढना होगा गाइस। रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों का गोल आखिर में है क्या? मेरे को इस साइकिल को लेके जाना कहां है? मेरे को फर्स्ट पर्सन पे स्विच कर लेना चाहिए था भाई। कहां जाना है इसकी ऐसी तेजी, मेरे को कोई बताएगा? ओ अच्छा राइट जाना है। रुको भाई क्या करूं मैं? अरे भाई मेरे को उधर जाना है। रुको ऑल राइट लेट्स गो गाइस, मेरे से रुका नहीं जाएगा। हम लोग यहां पे मारेंगे एक जंप, और ऑब्वियसली मिस कर गया। ओके कोई बात नहीं, एक और ट्राई मारेंगे। इस छेद से थोड़ा नीचे जाना है। ओए व्हीली काय को मार रहा भाई, स्टंट मारने को बोला मैंने तेरे को। बच गया। क्या हो रहा है? अरे रुक जा स्टंट क्यों मार रहा है भाई, इसकी क्या प्रॉब्लम है? तेरे को फालतू का क्यों स्टंट मारना है? ओके गाइस एक और बार ट्राई करेंगे तो हो जाना चाहिए। नहीं मुंह के बल तो मत गिर भाई, बेइज्जती ओपी करवा रहा है तू। हाँ सीधा चल जा तू नाले में, सीधा गिर गया भाई। देख रहा हूं क्या हो रहा है भाई, मैं फर्स्ट टाइम कितना अच्छा कर रहा था, लेकिन अब आप लोग देख सकते हो कि किस्मत ने क्लियरली हमारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन टेंशन मत लो, ये सब चीजें तो यार छोटी मोटी है, इनसे तो मैं आसानी से डील कर लूंगा। और ये हुई ना बात, देखा मैंने बोला था ना आसानी से डील कर लूंगा। ओ भाई ये क्या है? अरे रुक जाओ, कुछ लोचा हो गया। अरे भाई साहब मार दिया इन्होंने। फ्रॉस्ट भाई मेरे को लगता है आपको यार यहाँ पे जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अरे नहीं भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, शुभ बोलना। अरे भाई साहब मुंह पे मारता है, ये बॉल वाली चीजें जो है ना गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे को यहाँ चेक पॉइंट ले लेना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते आगे। अरे रुक जा यार, पीछे क्यों जा रहा है तू? ओ नहीं, अरे इसकी ऐसी तैसी मारो बॉल फेंक के भाई, वो बॉल बहुत ज्यादा खराब चीज है। देख रहे हो मतलब यार तुमको पार करने ही नहीं देंगे अगर तुम्हारे पास हल्का सा भी पेशेंस नहीं है। लेकिन गाइस आपको तो पता ही है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें मेरे पास नहीं होंगी, लेकिन पेशेंस तो मेरे पास बहुत है।
ओहो स्टंट मार के कंप्लीट किया भाई मैंने, पता नहीं कैसे अपने खड़े खड़े स्टंट मार दिया इसने। ओए आराम से, अच्छा चेक पॉइंट ले लिया मैंने। एंड ये अब हम लोग आ चुके हैं इस अजीब से चीज पर, और सच बोलूं तो ऐसी ही चीजें होती है जो मेरे को बार बार गिव अप करवाती है। और तुम्हारी ऐसी दी तैसी, कूदना, कूदा क्यों नहीं? अबे यार ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि मुझे काफी ज्यादा चुनौती दे सकता है, परेशान कर सकता है। अरे रुको ना सर जी, रुको ना, मैंने बोला रुको ना भाई, मैंने बोला तो रुको ना, लेकिन माना ही नहीं इन लोगों ने। क्या मैं इस साइड से जा सकता हूँ क्या? नहीं यार, इधर से जाना इज वेरी वेरी डेंजरस गाइस, आप लोग देख सकते हो, इतना आसान नहीं है कि कोई भी आकर के उस तरफ से पार कर ले। और तो और यार मेरे को साइकिल घुमाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी यहाँ पर, अगर मैं ऑलरेडी एक बार पहुंच गया तो। ओ भाई दूसरा आ रहा है, दूसरा आ रहा है। तुम्हारी ऐसी थी तैसी, उससे तो बच गया, लेकिन उससे कैसे बचूंगा? वो अजीब सी दो दो लाठियां हवा में चल रही है यार, मुझे बहुत परेशान करने वाले ये लोग। फर्स्ट पर्सन में क्या हमारी कोई मदद होगी? नहीं यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पॉइंट आ गया है गाइज जहां पे हम लोगों का बैंड बाजा बारात निकलता है, और अब हम लोगों को ये वाला मैच गिव अप करना पड़ेगा। रोस्ट भाई यार, मेरे को आपने इतना यार लेक्चर दिया कि गिव अप नहीं करना चाहिए, आप खुद कर रहे हो। अरे भाई मैं क्या करूं यार, ये लोग हमेशा मेरे को ऐसी अजीब अजीब सी चीजें ला करके दे देते हैं जिसमें यार इम्पॉसिबल हो जाता है पार करना, और ऑब्वियसली मैं इतना अच्छा तो नहीं हूं भाई कि ये बाइक आउट कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट वाला भी देख रहे हो। मतलब गाइज मैं अपनी पूरी कोशिश भी करता हूं ना, तब भी ये कोर्स मेरे मजे लेता है। अब बताओ मैं क्या करूं यार, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। आप लोग देख सकते हो मैं यहां पे एक और कोशिश करता हूं, देख रहे हो? ओके ओके ओके, इस बार हो गया, कम ऑन, एक और जंप। ओ भाई साहब हो गया। अरे लेकिन मैं पीछे कैसे जाऊं? अरे हेल्प करो भाई कोई मेरी। अरे ये तो प्रॉब्लम है भाई, नहीं होने वाला गाइज। आप लोगों ने देखा मेरे को इसी ट्रैक को फॉलो करना होगा, और क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहानाबाजी कर रहा हूँ, लेकिन ये सच बात नहीं है भाई। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है ये, ठीक है? तो इसलिए आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाइक आउट का आप लोगों को नया पार्ट देखना है यानी कि पार्ट 5। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को करो 1 लाख लाइक्स। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, एंड हमेशा की तरह स्टे फ्रॉस्टी।